बहराइच कांड के बाद योगी सरकार बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी इस तैयारी पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया। दरअसल पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। हाल ही में अधिकारियों ने कुछ लोगों की इमारतों को गिराने के लिए नोटिस जारी किया था। इनका नाम दंगों से जुड़ी एक FIR में आरोपी के तौर पर दर्ज था। प्रशासन का आरोप है कि उनकी इमारतें अवैध हैं। वहीं उनमें से 3 लोगों ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अर्जी दाखिल कर दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट CU सिंह ने दलील दी है कि ये आवेदन 3 लोगों के द्वारा दायर किया गया है। उनको 3 दिन के अंदर घर गिराने के नोटिस मिले हैं। राज्य सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए केवल 3 दिन का समय दिया है। सिंह ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता के पिता और भाइयों ने सरेंडर कर दिया है और कथित तौर पर 17 अक्टूबर को नोटिस जारी किए गए और 18 की शाम को चिपकाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने रविवार को सुनवाई की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके मुवक्किलों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि एक घर 10 साल पुराना है तो दूसरा 70 साल पुराना। वह इस पूरे मामले पर जस्टिस BR गवई ने कहा कि क्या यह मामला हाईकोर्ट में है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार घर सड़क से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। आप इस अदालत द्वारा पारित आदेश से अवगत हैं। यदि वे यानी उत्तर प्रदेश सरकार इन आदेशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहते हैं तो यह उनकी पसंद है। वैसे हमने ये कहा है कि अगर सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण है तो मेरे आदेश से वो अवगत है। सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार को कल तक किसी भी तरीके की कार्रवाई न करने का आदेश दिया है और अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को की जाएगी। वही इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि हमने हाईकोर्ट में आश्वासन दिया है कि 15 दिनों का नोटिस और 20 अक्टूबर को जारी किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।